सो गाइस, बीच में कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि यार फीवर इतना खतरनाक हुआ कि 2 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिसकी वजह से 2 दिन लास्ट 2 डेज यहाँ पे मेरे गेम प्ले नहीं आ पाए। लेकिन ये एक और रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो है आपके लिए, जहाँ पर कि मैं भाई हॉट ड्रॉप यानी पोचंकी पे कूद गया था और यहाँ पे मैं अब तक 5 किले ईजी निकाल चुका था। मेरे सामने बंदा था और एक के आगे एक यहाँ पे 2 बंदे थे, ठीक है। फिलहाल इन दोनों बंदों को मुझे किस तरीके से पेलना है, यहाँ पे किस तरीके का अपना IQ लगाना है, फिलहाल देखो यहाँ पे आपको देखना होगा 2 किल आपको किस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो सामने यार, देखो मेरी जो रैंकिंग है, पहले तो आपको रैंकिंग बता दूँ, मेरी रैंकिंग अच्छी खासी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि लॉबी तो अच्छी होगी अगर मेरी रैंकिंग अच्छी है। तो फिलहाल देखो इस बंदे को तो मैं ईजी निकाल देता हूँ, उसके पास अपनी स्कारल वगैरह मतलब गन वगैरह ले लेता हूँ। और मतलब अभी मैं यहाँ पे स्पिन करने वाला था M762 की, क्योंकि मुझे M4 को अपग्रेड करना था लेवल 4 तक, तो शायद इस बार करूँगा। लेकिन मतलब हॉस्पिटल जाने की वजह से यार मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया इस बार, तो शायद मतलब बजट बना तो ट्राई करेंगे, ठीक है, M4 को अपग्रेड करने का अपना लेवल 4। फिलहाल देखो यहाँ पे सामने मुझे यहाँ पे जो बंदा मैंने पहले देखा था, तो मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको कुछ टाइम बाद हम स्पॉट भी कर लेंगे। पहले तो आप ये बताओ कि आपके रैंक वगैरह कौन सी चल रही है और आप अपने कौन से डिवाइस पर खेल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद यार वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम है। सामने बंदा स्पॉट हो चुका था और ओपन में भी था, जैसे मुझे एक अच्छा मौका मिला तो मैंने थैनोस भैया को जल्दी से हटा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे आपको वॉइस ओवर में थोड़ा सा चेंज लग सकता है, तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ यार, आप कौन से डिवाइस में खेल रहे हैं, आपकी रैंक क्या चल रही है और कौन कर आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हैकर वगैरह कैसे आ रहे हैं आपकी लॉबी में, ये चीज़ यार कमेंट में जल्दी से बता दो। फिलहाल देखो सीन ये था यार, अभी तक जोन अपने पोचंकी के अंदर था और मैं सोच रहा था यार अब यहाँ पे जो जोन था उस जोन में 34 लोग अलाइव थे, तो अभी मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन गेम के अंदर तुम्हें पता है हर गेम में हैकर होते हैं, तो ये वाले गेम में भी हैकर थे, ठीक है, मींस 2 हैकर थे जो कि ऑलमोस्ट लास्ट तक खत्म हो जाएंगे और ये गेम प्ले में तुम्हें चिकन डिनर भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अभी जोन बनने में काफ़ी टाइम था और ये जोन बनेगा मतलब छोटा जोन होगा, तो मुझे कुछ भी करके जोन के सेंटर को होल्ड करना होगा, तो जो कि मैं ट्राई भी करूँगा। तो फिलहाल आगे की जो लड़ाई होगी, आगे का जो सर्वाइवल होगा, तो बहुत ख़तरनाक होगा और आप प्लस देखेंगे तो कहेंगे वाह मेरी जान क्या ही मजे कर दिए। तो फिलहाल इस वाले गेम प्ले में अच्छा खासा प्लस भी हो जाता है 25 के समथिंग ना, तो इजी मतलब सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा होता हूँ, लेकिन अभी तक जोन नहीं बना था, जोन को बनने में थोड़ा सा टाइम था और कुछ समय बाद भाई साहब यहाँ पे जोन भी बन जाता है, तो अपने यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जोन था, ये वाला जोन भी इसी के अंदर था पोचंकी की, तो मैं यहाँ पे होल्ड किया और अपना भैया यहाँ पे होल्ड करते करते मुझे यहाँ से साउंड आता है, ठीक है, आगे से मुझे पता चला कि आगे मेरे एक बंदा, लेकिन वो होता है एक बॉट। फिलहाल इसको पहलते हैं। अब देखो बॉट तुमने कहाँ पे देखा, ठीक है, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और ये पता नहीं अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया यार, पता नहीं ये बॉट भी कितना फास्ट भाग रहे हैं, पता नहीं कैसे। फिलहाल यहाँ पे देखो जोन अभी तक मेरे मतलब बिल्कुल पास है, मींस अभी मैं जोन के अंदर हूँ, तो मुझे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन मुझे कवर में रहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ओपन एरिया में रहता हूँ तो हैकर मुझे शायद पेल सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही स्कॉर्पिन वगैरह कर रहा था, शायद मतलब स्पॉट का तो कोई सीन नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा था, मस्ती कर रहा था, ठीक है। फिलहाल लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे जोन शिफ्ट हो जाता है, तो फिलहाल अपनी व्हीकल में रेडी था करके, क्योंकि मुझे जोन कहीं भी जाना पड़ सकता था, तो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और जोन के लिए यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि जोन निकलेंगे भैया और सीधा कोई भी कंपाउंड सेंटर का होल्ड कर लेंगे और वहीं से सीधा अपने स्प्रे वगैरह लेंगे और वहीं से इंजॉय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना तुम्हारा भाई चिकन निकालने वाला एकदम मतलब बेस्ट किल के साथ। अभी यहाँ पे मेरे साथ 8 किले हो चुके थे और मुझे चाहिए थे एक जोन का सेंटर, जो कि मुझे मतलब ये वाले घर मुझे अच्छे लगे, कि मुझे लगा कि यार यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर जोन बैक टू बैक बनेगा, क्योंकि मैंने रैंक पोस्टिंग लॉबी को भाई इतना खेला है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अगर तुमको शायद पता नहीं होगा यार कि मैंने यहाँ पे अब तक यहाँ पे टोटली 4 अकाउंट का कॉन्कर कर दिया था और बीच में तबीयत खराब होने की वजह से मुझे यहाँ पे गैप भी लेना पड़ा। तो ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ और काफ़ी टाइम तक होल्ड करता हूँ, और जो यहाँ पे चिकन होगा ना एकदम मज़ा आ जाएगा और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइस अगर तुम रैंक पुश कर रहे हो ना, तो आपको ये वाली वीडियो ना पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो तुम मिस कर दोगे। अब देखो सामने 7 FIR, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा होता हूँ और तुम्हें पता है ज़्यादा हम पीक नहीं कर सकते, क्योंकि हैकर होगा कुछ नहीं पता। सामने बंदा स्पॉट हो चुका था, लेकिन यार अब वो गायब हो चुका था, तो मेरे पास एंगल नहीं था कि मैं उसको पेल सकूँ, क्योंकि वो बंदा कवर में था, लेकिन उसकी छोटी गलती और उसकी मौत। फिलहाल कुल मिला के मैंने इसको ख़त्म किया और इजी अपने आप यहाँ पे 9 किल हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे पोचंकी में बहुत सारे किल निकल गए थे और उसकी वजह से यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्लस भी मिल जाएगा और अच्छा खासा किल भी यहाँ पे मिल चुके थे।
तो अभी यहाँ पे मैं स्पॉट कर रहा था और बंदों को, और यहाँ पे मतलब सिर्फ 7 लोग अलाइव थे। तो मीन्स अभी मतलब बाकी बंदे हैं कहाँ पर, सिर्फ उन लोगों को अभी मुझे स्पॉट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, अपनी कोई भी गलती नहीं करना चाहूँगा जिससे मेरे चिकन मेरे हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पे स्पॉटिंग वगैरह चल रही है इजी इजी। अब सीन ये था कि यहाँ पे सिर्फ 4 लोग बचे जिनमें से एक मैं, मीन्स अभी 3 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अपना अच्छा होल्ड चल रहा है, स्पॉटिंग वगैरह मैं यहाँ पे ठीक ठाक कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है, तो इस बंदे को मैं इजी टेक डाउन कर देता हूँ। मीन्स अभी यहाँ पे 1v1 की फाइट हो चुकी थी, जो कि मुझे उस वाले बंदे का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो बंदा आखिर है कहाँ पर। तो मैं उसके लिए यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड करता हूँ और उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट में वो मुझे स्पॉट हो भी जाता है क्योंकि सामने मतलब हो ही जाता है यार। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी तक स्पॉटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पे मुझे स्पॉट नहीं हुआ है, लेकिन अभी हो जाएगा यार, थोड़े दिन हो जाएगा भाई, इतना टेंशन क्यों लेते हो भाई। फिलहाल देखो सामने बंदा था जो कि मुझे दिख चुका था शैक के अंदर। फिलहाल मेरे पास 2 ग्रेनेड थे जो कि मैं ट्राई करता हूँ। ऑलमोस्ट मतलब स्टेज थोड़ी दूर थी तो वहाँ पे जाना एकदम इम्पॉसिबल था ग्रेनेड का, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। पहले को ट्राई किया नहीं हुआ और अपना वो बंदा भी ग्रेनेड कर रहा है अपने ऊपर। फिलहाल 2 ग्रेनेड ट्राई किए जाएंगे, मतलब ये चीज़ बताती कि यार वहाँ तक मुझे ग्रेनेड नहीं पहुँचा सकता। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक छोटा सा उसके लिए जाल खेला और वो जाल में फंस भी जाता है, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे सोचता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 4 स्मोक है, तो मैं यहाँ पे स्मोक वगैरह करूँगा सामने, तो और इस व्हीकल का कवर लेके मैं वहीं पे रुकूँगा और तब तक वो एनिमी मुझे स्पॉट नहीं कर पाएगा कि मैं वहाँ पे आ गया, ठीक है। और सीन होता है कुछ ऐसे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 स्मोक कर चुका था और भाई ग्रेनेड पर ग्रेनेड कर रहे थे। तो फिलहाल मैं यहाँ जल्दी से निकला और इस गाड़ी का कवर लिया और ईजी यहाँ पर मैंने कैंप किया, क्योंकि यार मुझे कुछ भी करके चिकन निकालना होगा, क्योंकि चिकन के पॉइंट प्लस बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पे होल्ड किया, स्मोक ख़त्म हो जाता है और मैं एनिमी को स्पॉट करता हूँ, तो कुछ दिन में एनिमी स्पॉट हो जाता है और तुम्हारे भाई की छोटा सा इजी चिकन डिनर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस एक इजी चिकन डिनर, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर बताना, चैनल नए सब्सक्राइबर जरूर जाना।